उन्होंने आना है जी हूँ उनको काम अलग उस बार बहुत परेशानी होगी वह तो सब नहीं आ गई जा नहीं सके लेकिन हूँ इस बार हम इस बार एलका का हूँ साहब साहब का लगता है एलका का बताऊँगा एक बार एलका का वो एक प्रोग्राम इंशाल्लाह बना लेंगे आते ईद के बाद इंशाल्लाह बाद हमारा प्रोग्राम चलेगा लेकिन जो रस्ते है उस वास्ते हूँ तकरीबन करीब कोशिश करूँगा 10 लाख नहीं तो कम से कम 7-8 लाख रुपये 7-8 लाख रुपये हूँ मेरा ही नाल पिछली बार प्रोग्राम बनाते रहे बल्कि किसी साहब भी प्यार किया पिछली बार के हम इलका का चला पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने लेकर चला ताकि DC SP बाकी ने पता चला इलका का एहसास हुआ कि किरा पहुंचे इस लोग लेकिन वो बदकिस्मती ना पिछली गर्मी और आपने उनको यहाँ किस मकसद के लिए दावत दी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा शाहनवाज साहब का और तहसीलदार साहब का कि वो यहाँ मड़ा में आए। जो आने उनका आने का मोटिव था वो ये था कि जो हिल काका की पंचायत है वो उसका जो ज़्यादातर प्रॉब्लम उसकी थी कि एक रोड है जो मड़ा में बंद है। अब वो रीज़न क्या है क्यों बंद है ये उनका मोटिव था कि जाएँ इसका हल करें क्या है। जब वो हिल काका में आए तो हमें लगा कि हमारे लिए भी यही अच्छा मौका है कि हम शाहनवाज साहब से बात करें और हमारे उमड़ा के जो इशू हैं उनको हल करें। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम को लेके हेल्थ को लेके उस सब पे शाहनवाज साहब ने हमें बताया है और उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं लाइट को लेके उसके बाद ये वाटर सप्लाई को लेके और एजुकेशन को लेके इसके रोड होगी वहाँ भी तरक्की खुद बखुद हो जाएगी। एक तो ये मेन मौजू था और दूसरा ये हाई स्कूल के बारे में जो है ये था। तो ये हमारे यूथ वालों ने सारा प्रोग्राम रखा था, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोग जो उनके साथ आए मीडिया वाले आपका भी शुक्रगुजार हूँ, शाहनवाज साहब का भी। तो तमाम बातें सुनी, बिजली पानी किसको क्या मुश्किल, हमें भी वही मुश्किलें जो सारी दुनिया को होती हैं, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ में एम्बुलेंस की फैसिलिटी जो है वो हमें नहीं है, वो हमने एक प्लान में पैसा रखाया था लेकिन वो असल में वो प्लान अभी तक आया नहीं। तो आ गया तो उसमें दोनों पंचायतों के लिए एक एक जो है ना एम्बुलेंस ऑलरेडी जो है वो रखी हुई है वो मिल जाएगी। मेन पॉइंट है जो वो ये है कि हमें रोड की जो है ना परेशानी, ये जो CRF थी और आप ये RNB के अंदर है, ये हिलका का रोड है, इसकी प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा जो है ना, हमें इसकी परेशानी है, सब लोगों को जो है ना ज़्यादातर इसकी परेशानी है। और फिर ये स्कूल की सर क्या क्या गिनती करें अगर गिनते जाएं हम और आप सुनते जाएं तो ये पूरा दिन यहीं ख़त्म हो जाएगा। मेन पॉइंट है जो यही है रोड और स्कूल, बाकी बिजली में पैसा हमने रख दिया है वो भी आ जाएगी, पानी में मैं रखा है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, इतनी दूर से चल के आए आप मीडिया का तमाम का शुक्रिया, थैंक यू। होना बाकी है, हमने ये फैसला लिया है क्योंकि AEE RNB भी हैं क्या साहब भी हैं, तो हमने ये फैसला लिया है कि जो पहला 5 किलोमीटर है आज यहाँ मौके पे आके कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी टेकअप करेंगे, जो पहला 5 किलोमीटर है उसका साथ साथ में जो है उस रोड का काम जहाँ अर्थ कटिंग के जो अगला फेज़ है उसमें जो है सिंगल मेटल है या रोड़ी पड़नी है वो काम भी साथ साथ शुरू कर दिया जाए और 5 किलोमीटर के आगे का अर्थ कटिंग भी हो जाए ताकि तेज़ी से इस सड़क का काम मुकम्मल हो सके। दूसरा ये भी फैसला लिया है क्योंकि ये 10 किलोमीटर जो है ये दोचंगा तक रोड पहुंचती है, दोचंगा से आगे हिल काका में भी कम से कम 6-7-8 किलोमीटर और आगे जो है वो रोड बनेगी तब जाके हिल काका के लोगों को आसानी होगी। और हमने फैसला किया है कि मैं आज ही जाते ही जो है एक चिट्ठी लिखूँगा RNB डिपार्टमेंट को और वहाँ से NABARD का प्रोजेक्ट जो है वो AEE साहब की जो है उसमें जुदगी में ये खुद ही जो है प्रोजेक्ट तैयार करेंगे NABARD में और ये प्रोजेक्ट हम NABARD में आगे भेजेंगे गवर्नमेंट को ताकि अगर वो NABARD में अप्रूवल मिल जाता है तो ताकि ये हिल काका तक रोड जो है वो मुकम्मल हो सके। उसके साथ साथ आपने एक सवाल स्कूल के हवाले से भी पूछा, तो मुड़ा आते हुए हमें रास्ते में पता चला कि हाई स्कूल मुड़ा जो है उसकी क्लासेज जो हैं वो पंचायत घर के एक कमरे में चलती है पिछले कई सालों से। बड़ा दुख हुआ ये देख के कि ये बच्चे जो हमारा फ्यूचर है मुस्तकबिल है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनका मुस्तकबिल अंधेरे में है। एक हाई स्कूल 180 बच्चे कैसे एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है।
ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जो है वो एक मैं कहता हूँ उनकी उनकी खामी है ये, और उनकी जो है बड़ी शर्म की बात है उनके लिए कि ऐसे हालात में अगर हाई स्कूल की बिल्डिंग जो है वो तैयार है तकरीबन 90%, कुछ जो लास्ट में जो काम होना मुकम्मल है उसके लिए मैंने इमीडिएटली डायरेक्टर समाग्रा से बात की है, मैंने उनसे गुजारिश की है और उन्होंने ये बात मानी है कि जल्दी से जो है रिक्वेस्ट भेजें R&B डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट भेजें तो हम वो फ़ंड रिलीज़ करेंगे तकरीबन 10-15 लाख, ताकि जो आखिरी काम है वो बिल्डिंग का दरवाजे खिड़कियाँ लग सकें, ताकि स्कूल के बच्चे उस बिल्डिंग में बैठ सके और जो है पढ़ाई कर सके। सर, आप जिस रोड पे चलकर आए हैं, इस रोड का आपको क्या लगा, कोई ग्रेड या कि ये किसी ढंग की रोड है? इस पे जो पैसा करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट के खजाने से निकाल के खर्चे गए हैं, उसमें कितने परसेंट आपको लगता है कि ये सही जायज़ पैसा जो खर्च हुआ है और ये रोड जो सही निकली है? देखिए, अभी तक तो रोड की सिर्फ अर्थ कटिंग हुई है, अर्थ कटिंग में जो आपने ग्रेड की बात की तो मैक्सिमम तो ग्रेड ठीक है, लेकिन कुछ एक दो जगह जहाँ हमने रुक के उस बात की पता करने की कोशिश की तो वो ये पता चला कि जहाँ बीच में कहीं किसी का मकान था या किसी ने जगह नहीं दी, तो उसकी वजह से जो है लेफ्ट राइट